ये है भिलाई के खुर्सीपार में रहने वाले 56 साल के दयाराम कोरी और ये है उनकी पत्नी अमरावती। ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। दयाराम कोरी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे और पिछले कुछ समय से अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारियों में जुटे थे। इस बीच वो ड्यूटी पर आने जाने के दौरान पता नहीं कब, कहां और कैसे कोरोना संक्रमित हो गए। उन्हें 27 मार्च 2021 को पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में दाखिल किया गया, जहां 28 मार्च 2021 को उनकी मौत हो गई। दयाराम कोरी की मौत की खबर जब घर तक पहुंची, तब तक पत्नी अमरावती भी कोरोना संक्रमित हो चुकी थी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दयाराम का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार इस सदमे से उबर पाता कि अमरावती की तबीयत भी बिगड़ने लगी। 29 मार्च को उन्हें भी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 6 अप्रैल 2021 को उन्होंने भी दम तोड़ दिया। 10 दिनों के अंदर ही घर की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। हंसता खेलता परिवार बिखर चुका है। अब घर में अगर कोई बचा है तो वो है दयाराम कोरी के बच्चे, जिनके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। 3 बेटे और 2 बेटियां अब तक पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों में खड़े भी नहीं हुए थे। उनको इस बात का एहसास भी नहीं था कि माँ बाप उनको मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। माता पिता के चले जाने से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो चला है। पिता के जाने के बाद से उनके अकाउंट में वेतन आना भी बंद हो गया है। यहाँ तक कि भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों ने बच्चों का हाल चाल लेने की जहमत तक नहीं उठाई। यतीम हो चुके बच्चों के सामने जिंदगी को फिर से समेटने के लिए बस एक ही रास्ता है कि घर के सबसे बड़े बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाए। दूसरी मदद ही उम्मीद सरकार से मिलने वाली वो आर्थिक सहायता है जो कोविड से मौत होने पर दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोविड डेथ की लिस्ट में अभी तक दयाराम कोरी और उनकी पत्नी अमरावती का नाम ही नहीं है।